टैब ड्रिल थ्रेड। तो ये टैब ड्रिल थ्रेड होता क्या है? तो बेसिकली आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल मिस्टर साइको सर में। और आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं एक स्पेशल चीज़। तो बेसिकली मैंने इसके रैपिंग को थोड़ा निकाल दिया था और चलिए हम डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो जिस प्रोडक्ट की आज मैं बात करने वाला हूं उसको बोलते हैं हम लोग टैब ड्रिल थ्रेड। तो ये टैब ड्रिल थ्रेड होता क्या है? तो बेसिकली आप किसी भी चीज़ में, चाहे वो मेटल हो, बेसिकली हम लोग इसको मेटल के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप मेटल में कोई होल करते हैं और उसमें आप चाहते हैं कि आप 10 नंबर का 8 नंबर का अगर आप जो नट और बोल्ट है उसको फिट कर सके, तो बेसिकली हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम लोग ड्रिल कर देते हैं और दोनों तरफ नट और बोल्ट टाइट कर देते हैं। लेकिन क्या हो कि सिर्फ आपके पास नट ही हो, तब ये काम आता है। ये क्या करता है, अगर आप इसके थ्रेड को देखेंगे तो ये क्या करता है, क्लियरली ये आपके मेटल में थ्रेड बनाता है। तो ये बेसिकली जो है वो आपका थ्रेड बनाने के लिए है। आपके जो लेथ वाले हैं और जितने भी ऑटो पार्ट्स वाले हैं या जो कारपेंटर्स हैं, वो बेसिकली इन चीज़ों को यूज़ करते हैं ताकि वो इजीली फिक्स कर सके किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 7 साइजेस अवेलेबल हैं, ये तो अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप कोई भी कस्टम बिल्ड करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं और आपको अगर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इसको इजी वे में आप कहीं पर भी थ्रेड बना सकते हैं और सिर्फ नट की सहायता से या उसकी मदद से ही आप सिंपली आप बोल्ट को कस सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, पसंद आता है तो शेयर करें। और कोई भी अगर सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चलिए मैं आपको इसमें जो आपका जो टैब ड्रिल होता है, टैब ड्रिल थ्रेड जो होता है, उसका मैं एक छोटा सा आपको डेमो दे देता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप सेलेक्ट करें कि आपको, जैसे ये जो है वो 10 नंबर का बोल्ट है, नट एंड बोल्ट है, तो आप पहले तो इसके जो साइज़ है उसको आप मैच कर लें, एग्जैक्ट वही साइज़ होना चाहिए। उसके बाद उसी से मिलता जुलता जो है वो आप अपने ड्रिल को कर लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक छेद करना पड़ेगा, एक ड्रिल करना पड़ेगा। चलिए ड्रिल कर लेते हैं। अब ड्रिल करने के बाद इसमें जो है आपको जो टैब ड्रिल होता है इसको आपको करना है। तो बेसिकली इसको जो करने का जो तरीका है वो, तो आपको पहले एक सर्कल लेना है मैन्युअली, उसके बाद फिर उसको हाफ रोटेट करना है, फिर उसको आगे लेना है, फिर हाफ रोटेट करना है। लेकिन अब मेरे पास बोल सकते हैं इसका जो पाना है नहीं है, तो मेरे को जो है इसको पावर टूल से ही करना पड़ेगा। फिर आप एक बार रिवर्स ले लीजिए। इसका मैं एक डिटेल वीडियो दूंगा आप लोगों को, बना के दूंगा, ये तो जस्ट एक सैम्पल है। अगर आप इसमें क्लियरली देखेंगे, यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर जो है वो हल्का सा थ्रेड बना हुआ है, क्योंकि जो
शीट है वो 20 गेज की है, तो काफ़ी पतली शीट है, तो इसमें उतना तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको सैम्पलिंग के लिए ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो थ्रेड था वो ये वाला था, और मैं इसको सिंपली इसको ही पुश कर रहा हूँ। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से इसमें रोटेट हो रहा है, ये देखिए। हालांकि थोड़ा लूज़ है, लेकिन अगर आप इसको पुश करेंगे पीछे की तरफ तो ये पूरी तरह थ्रेड में फंस चुका है, मतलब यहाँ पर जो है आपके टैप ड्रिल ने जो है वो थ्रेड बना चुका है, और जिसकी वजह से वो यहाँ पर अटक चुका है।